हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीएस का किचन। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बॉम्बे की रेसिपी, बॉम्बे हलवा की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। ये बड़ों को छोटों को सबको पसंद आता है। और जैसे कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो इस रक्षाबंधन में बॉम्बे हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और तो इस रेसिपी को बनाने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप कॉर्नफ्लावर। आप जितना बनाना चाहते हैं आप उतना ले सकते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया है। और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक इसका थिन सा बैटर मुझे रेडी कर लेना है। एकदम पतला होना चाहिए इसे। कंटिन्यू आप इसी तरह से चलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पतला सा जो है कि बैटर रेडी कर लें, क्योंकि इसके अंदर लम्स जल्दी पड़ जाते हैं, तो इसलिए इसे कंटिन्यू चलाते रहें। ये देखिए, तो ये यहाँ पर एक पतला सा घोल मैंने रेडी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक कढ़ाई मैंने रख दी है। इसके अंदर अब ऐड करेंगे 1 कप चीनी, शुगर। आप जितना बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करें। तो 1 कप यहाँ पे मैंने शुगर ऐड किया है। इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे डिज़ोल्व होने तक शुगर को हमें पका लेना है। उसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाल देना। इससे क्या होगा कि जो ये चीनी है ये क्रिस्टलाइज नहीं होगी, इस वजह से नींबू ऐड किया। आप चाहे तो विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर ये जो कॉर्नफ्लावर का घोल है उसको धीरे धीरे डालते हुए और कंटिन्यू चलाते रहना है आपको, नहीं तो क्या होगा कि ये लम्स आ जाएंगे। इसके अंदर बहुत जल्दी लम्स आ जाता है, तो आपको कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहना है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरह से आपको चलाते रहना है, कंटिन्यू हाई पे बिल्कुल नहीं चलाना है। और आप देखेंगे 2-3 मिनट के अंदर ये जल्दी से जो है कि धीरे धीरे ये जो है कि ठीक होने लगेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि बीच में रोकना बिल्कुल नहीं है, कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है कि ठीक होने लगता है और इसमें लम्स आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको देख, ये यहाँ पर जो है ये ठीक होने लगा है और यहाँ पर फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया था और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, और क्योंकि इसके अंदर लम्स आ जाते हैं और गुठलियाँ पड़ जाती हैं, इससे हमारी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, इस तरह से कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। ये देखिए, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है ये हलवा। कराची में भी बहुत ज़्यादा ये फेमस हलवा है, बॉम्बे में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा खाने में यम्मी लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पे ट्रांसल्यूशन हो गया है, मतलब ये जो है कि ये पूरी तरीके से हो गया है। और ये देखिए, कंटिन्यू इसको मीडियम लो फ्लेम पे आपको चलाते रहना है। यहाँ पे फ्लेम को आपको लो कर देना है। उसके बाद अब इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है कि रेड कलर लिया हुआ है, ऑरेंज जो आता है वो कलर ऐड किया। आप अपने इसके अंदर कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, बट ज़्यादातर क्या होता है कि ऑरेंज कलर का ही ये होता है हलवा। तो यहाँ पे जो है कि मैंने ऑरेंज कलर ऐड किया है और इसको जो है मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। उसके बाद अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है अपने पसंद के अनुसार इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने कैश्यू ऐड किया हुआ है कुछ इस तरह से कट करके, और इसको मीडियम फ्लेम पे इस तरह से मिक्स करते हुए इसको चला लेना है अच्छे से। और इसकी पहचान ये है कि जब ये हो जाएगा तो ये धीरे धीरे जो है कि ये कढ़ाई जो है ये बैटर छोड़ देगी। और उसके बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने घी ऐड किया है। इसके अंदर आपको घी ऐड एक साथ बिल्कुल नहीं ऐड करना है, थोड़ी थोड़ी देर पे आपको घी इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए, घी डाल के उसके बाद इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ी देर के बाद इसके अंदर फिर घी आप ऐड करें और इसको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए और इसको ऐड कर लें। फिर मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड किया है। टोटल मिला कि मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर घी ऐड किया था। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो ये बैटर है वो कढ़ाई से जो है कि अलग होने लग गई है, मतलब कि हमारा ये बैटर अच्छी तरीके से हो गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कढ़ाई से बिल्कुल अलग होने लगी है। तो ये बिल्कुल हलवा बन के देखिए रेडी हो चुका ये है, और ये सेट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। और फ्लेम को एक बार जो है कि लो कर दे और इसको जो है ठंडा, बिल्कुल आप जो है ठंडा मत होने दें,
और उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक प्लेट लिया, इसके अंदर मैं सेट करूँगी इस हलवे को। और ध्यान रखिए इस बात का, एकदम गर्म जब रहे तभी आप इस हलवे को सेट करें, ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल नहीं सेट होगा, तो गर्म गर्म ही आपको सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेट कर दिया, ऊपर से थोड़ा सा कैशू डाल दिया है और फिर उसके बाद स्पून की हेल्प से थोड़ा सा इसको प्रेस कर दिया है और इसको जो है 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए। इसके बाद इसको कट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये सेट हो गया है अच्छे से। और इसके बाद इसको जो है नाइफ की हेल्प से चारों साइड से इसको थोड़ा सा जो है कि इस तरह से करते हुए इसको थोड़ा सा हिला देंगे। और ये एक थाली पे मैंने इसको निकाल लिया कट करने के लिए, तो सबसे पहले जो ये किनारे जो है इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से अब इसको जो है कि चौकोर पीस में इसको कट कर लेना है। आपको जितना बड़ा या छोटा पसंद है आप अपने पसंद के अनुसार कट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है बॉम्बे हलवा। कितना यम्मी लग रहा है, जितना ये यम्मी लग रहा है यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे तोड़ के। ये देखिए मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।